यहाँ पे ये शूज़ मैंने सुबह धो के रखे थे और फटक से सूख भी गए। ये बेस्ट चीज़ है क्रॉक्स की कि अभी धो दो, 5 मिनट में आप पहन सकते हो, क्योंकि इसका वो क्या बोलते हैं, प्लास्टिक मटेरियल है। प्लास्टिक मतलब कुछ अलग ही मटेरियल है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक न्यू व्लॉग में स्वागत है आप लोग का, ब्रिस्बेन के व्लॉग में स्वागत है। ब्रिस्बेन में सीन हो रहा है, सीन ऐसे है कि यहाँ पे गर्मी अचानक से बढ़ गई है। मतलब कल 36 डिग्री था बाहर, जबकि ये विंटर का माहौल होता है, ये स्प्रिंग। हाँ मतलब स्प्रिंग, विंटर और समर के बीच में होता है वो स्प्रिंग, वो वाला होता है कि थोड़ी अच्छी ठंडी होती है। लास्ट ईयर बहुत अच्छी ठंडी थी, इस बार पता नहीं क्या, ग्लोबल वार्मिंग ऑफकोर्स वही सीन है, बहुत जल्दी आ गई है गर्मी। तो फील कर रहे हैं आज भी 35 डिग्री है शायद से, सीरी को पूछते हम। सीन ऐसे मैं बोला जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है, बट आज फिर भी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। और शॉपिंग के लिए मतलब कि कपड़े लेने हैं मेरे को ऑफिस के लिए। और इसने देखो क्या लिया, बता कैमरा मैंने, ये मतलब इधर 10 मिनट बाजू में जा रहे हैं, बाजू चल रहे तरीपन हिला सके सामान वगैरह कहते हैं। एनीवे, तो एक्चुअली सीन ये है कि ऑफिस की शॉपिंग ऐसे नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ना ऑफिस के लिए बहुत सारे फॉर्मल्स कपड़े लिए थे। और अभी जब ऑफिस में ऑलमोस्ट मेरे को 1 साल हो गया, तो मेरे को आइडिया है कि यहाँ पे फॉर्मल कोई नहीं पहनता, सारे कैजुअल बंदे कपड़े पहनते हैं। मेरे पास कैजुअल है नहीं, कैजुअल मतलब टी शर्ट पोलो नेक वगैरह, वैसा लोग शॉर्ट्स वॉर्ट्स पहन के आ रहे हैं ऑफिस में, तो वैसे अच्छे कपड़े मेरे पास नहीं है। ये सिर्फ बहाने हैं शॉपिंग के। नहीं अरे बहाने क्या है भाई, कपड़े हैं नहीं तो नहीं है। तो हम लोग जा रहे हैं DFO, ब्रिस्बेन का बड़ा आउटलेट है जहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स है, बिग ब्रांड्स है, पूमा नाइकी अच्छे अच्छे ब्रांड्स है, मतलब इससे भी अच्छे ब्रांड्स है। वहाँ पे जाएंगे तो शॉपिंग करेंगे, और क्योंकि गर्मी को टैकल करना है ना, घर पे हमारा एयरकॉन है नहीं, पोर्टेबल है, तो इसलिए मॉल में जाऊँगे घूमने के लिए, और फिर आके खाना खाएंगे, ठंडा हवा खाने के लिए जा रहे फ्री का। और फिर आके पोर्टेबल एयर को वाईफाई कनेक्ट करना चाहिए था। अरे हाँ वो ऑप्शन है, पोर्टेबल एयरकॉन लिए घर पे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। रुको एक गाड़ी में बैठ के बात करता हूँ आपसे, क्योंकि ये शॉपिंग का व्लॉग है, तो मैडम को पूछना जरूरी है कि तुला काय घ्यायचा, घेणार क्रॉक्स घेणार आहे, क्रॉक्स चांगले नसतात ऐसा मैंने ले लिया ना, मैं इसको बोलूंगा नहीं अच्छा नहीं होता। दूसरा दूसरा और बता, फेमस फेमस माय लोकेशन 32 बता। हाँ तो यहाँ पे 32 डिग्री बता रहा है, जो के बहुत ज्यादा है भाई क्वींसलैंड में, मस्त के हिसाब से बहुत ज्यादा। हाँ तो अभी चलते हैं, मैं गाड़ी चलाता हूँ। 32 नहीं, फील्स लाइक 34 है। फील्स लाइक 32 तो नहीं भी हंसते, फील्स लाइक 32 34। क्या बोल रही थी, क्या बोल रही थी, मैं बोल रही थी बाहर से दिख रहा है गर्मी, मैं बोल रही हूँ अभी 35-36 है तो समर में क्या होएगा। तो अच्छा ये अभी जो लोग मेरे फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया में कुछ रीजनल में 40-42 डिग्रीज तक क्लाइमेट होता है, सोचो मतलब जो आउटबैक ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे तो कितना गंदा हालत होता होगा। 36 यहाँ पे फिर भी हमको इतना फील हुआ, तो वहाँ पे तो डेंजर डेंजर। बोल मैं ये क्या बोलूं क्या, अभी अभी नया नया ब्लॉगर बन रहा है बंदा, 4 साल से यही बोल रहा है कुछ, नया ब्लॉगर बन रहा है। तो फाइनली 5 मिनट मतलब कड़ी मेहनत के बाद यहाँ वहाँ घूम के हमको पार्किंग मिल गई वहाँ पे पीछे, क्योंकि यहाँ पे ना ये ऐसे है कि वीकेंड पे तो फटक से पार्किंग मिलती नहीं। ऑल्दो बहुत बड़ी जगह है DFO, तो ब्रिस्बेन के एयरपोर्ट के यहाँ पे ही है ये। मेरे अभी इसके ना बाजू से एक छोटा सा बच्चा गया सामने से आया, सॉरी इसको लगा कि कुत्ता डर गई और ये मेरे साथ नहीं है, एम्बेरस कर दिया वाला खूब। लेट्स लेट्स गो। तो लिंट में पहले जाएंगे, लिंट ये चॉकलेट का ब्रांड है। ऐसे हाथ डाल के लेके जाऊंगा मैं पूरा, वो पहले पास होना सोता है तू लगा पाइए। तो इसको जो चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम लोग स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक मिलता है, मिल्क मिलता है वो मस्त लगता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, तो वो वहाँ पे दूसरा अपना स्टोर्स घूम रही है, मैं फटाक से लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे सामने ही वुलवर्थ है, वहाँ से ले लेंगे और फिर शॉपिंग चालू करते हैं। जो वुलवर्थ है ना, ये पूरे ब्रिस्बेन में, पूरे क्वींसलैंड में, क्वींसलैंड स्टेट में अकेला वुलवर्थ है जो 24/7 चालू रहता है, बाकी सारे 8-9 बजे बंद हो जाते हैं, 9 बजे आई थिंक।
तो जो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी मिल्क लेने हैं वो है ही नहीं, ये वाला बड़ा वाला है, ये ऐसा लेके घूमूंगा तो और लगे। इसमें एक छोटा वाला आता है वो नहीं है, इधर आउट ऑफ स्टॉक है शायद, खत्म है। डीएफओ में आप जब भी आते हो ना यहाँ पे, कोई भी डीएफओ में, क्योंकि सारे फैक्ट्री आउटलेट हमेशा यहाँ पे 40-50% मिनिमम ऑफ होता ही है, और ब्लैक फ्राइडे के टाइम पे तो और भी ज़्यादा होता है, मतलब 70% तक होता है। हम लोग एक्चुअली मिले थे बहुत टाइम पहले शूज, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ यहाँ से शॉपिंग करना, क्योंकि आपके पैसे भी सेव हो जाते हैं और हाँ अच्छे अच्छे कपड़े भी मिल जाते हैं, कपड़े या फिर शूज़ वगैरह है वो भी लेना तो ले सकते हो। ये गेस्ट जो है ना, यहाँ पे अपने देसी लोग का बहुत फेवरेट ब्रांड है, यहाँ पे 50-60% आपको अंदर देसी लोग ही मिलेंगे। इसको भी पसंद है गेस्ट ब्रांड, हाँ कि नहीं? हाँ है, अफोर्डेबल है। अच्छे लग रहे हैं ये गुची उची के कॉपी नहीं लग रहे? गैस वही ब्रांड का, जो लग्जरी ब्रांड का कॉपी है मेरे को ऐसा लगता है। बगैर आस्ते दस्ते तंजे पानी फिलहाल जितने बैंक में पैसे गैस भी नहीं अफोर्ड कर सक रहे। चलो तो एक्चुअली हम लोग जितने भी शॉप में घूम रहे हैं ना, तो क्योंकि अभी यहाँ पे विंटर खत्म हो रहा है, ऑलमोस्ट हो गया है, कवर गर्मी चालू हो रही है, तो जो भी विंटर कलेक्शन है उसमें ज़बरदस्त डिस्काउंट है, मतलब 60-60, 50-50% इतने जो जैकेट थे ना $100-$120 के, वो $40-$50 में मिल रहा है। तो अगर लेना है तो लेके रख नेक्स्ट विंटर के लिए, इतना आगे का सोचते हैं हम, बट एक्चुअली ऐसे करके आप पैसे बचा सकते हो। बट वही है कि अगर आपको अप टू डेट रहना है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर फिर नया फैशन आता है, नया ट्रेंड आता है, सारी चीज़ें। अभी भाई ना मेरा सॉर्टेड है, मेरे को जितना शॉपिंग करना था उतना मैंने किया। घर पे आ गया वापस और बहुत ज़्यादा भूख लगी, 3 बज गए, हम लोग गए थे 1 बजे, तो 2 घंटा गया। तो खाने में है दाल फ्राई, ये जो मैंने बनाई है, और ये है प्रॉन्स, तो ये भी मस्त कॉम्बिनेशन, और राइस है। तो ये अभी लंच करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है भाई, बाहर घूम के शॉपिंग करके थक तो जाता है इंसान। तो चम्मच कहाँ है?